राम मोदी जी, बा आपके पकोड़े खाकर मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया प्याज के पकोड़े बनाती हो आप। मम्मी जी, एक प्लेट पकोड़े और दिलवा दो मुझे। मेरे बेटे राहुल, तेरे हाथ में पकोड़ों की पूरी प्लेट भरी हुई है। पहले ये तो खा, उसके बाद और दिलवा दूंगी तुझे। मोदी जी, इन पकोड़ों में जरा हरी वाली चटनी डाल दो। आपकी हरी वाली चटनी बहुत पसंद है मुझे, डाल दो थोड़ी। वैसे मोदी जी, अब मैं देख रही हूँ कि आपके पकोड़े काफी अच्छे बिक रहे हैं, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ सोनिया जी, मैं आपकी बात से आधा सहमत हूँ। दुकान तो ठीक चल पा रही है। मेरी आधा बीघा जमीन का जो टुकड़ा था, उसे बेचकर मैंने ये पकोड़े की दुकान रखी, इसीलिए मैं आपकी बात से आधा सहमत हूँ। लेकिन मोदी जी, पूरे सहमत क्यों नहीं हूँ, बताओ तो क्या बात है? सोनिया जी, अभी आपने दो बात बोली। एक बोली कि पकोड़े की दुकान अच्छी चल रही है, और दूसरी बात आपने बोली कि जल्दी मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। सोनिया जी, एक बात मैं आपको बता दूं, पकोड़े बेचकर मेरे घर का खाना खर्चा तो चल जाएगा, लेकिन ये गरीबी दूर नहीं हो पाएगी। अरे मोदी जी, आपने फिर भी सही किया, आधा बीघा खेत का टुकड़ा बेचकर ये पकोड़े की दुकान खोल ली। खेती बाड़ी में भी कुछ नहीं रखा है, मेरी एक बीघा जमीन का टुकड़ा है। कभी फसल बाढ़ में बह जाती है, कभी सूखे में खत्म हो जाती है। कम से कम आप पकोड़ों से कमाई तो कर रहे हो, गाड़े का कोई सवाल तो नहीं है मोदी जी। तो योगी जी, आप भी जमीन बेचकर किसी चीज की दुकान रख लो। मोदी जी, मैं जमीन तो नहीं बेचूंगा, लेकिन पैसे पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ मैं फसल से, और इकट्ठे हुए पैसों से दुकान तो खोलूंगा, पकौड़े की ही दुकान खोलूंगा, क्योंकि आपकी बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है। कोई बात नहीं होगी जी, आप पकौड़ों की दुकान खोल लेना, मैंने यहाँ पे खोली है, आप गांव के बाहर कोने पर खोल लेना। मोदी जी, मैं गांव के बाहर क्यों खोलूंगा, आपके सामने ही पकौड़ों की दुकान खोलूंगा। योगी जी, ये बात तो गलत है, आप पकौड़ों की दुकान मोदी जी के सामने क्यों खोल रहे हो? एक तो बेचारों ने जमीन बेचकर पकौड़ों की दुकान खोली है, और तुम उनकी कमाई खत्म करना चाहते हो। आप कहीं और पर पकौड़ों की दुकान खोल लो। मोदी जी, एक प्लेट पालक के पकौड़े मुझे भी दे दो। लालू जी, कोई बात नहीं है, इन्हें मेरे सामने ही दुकान खोल लेने दीजिए, कोई बात नहीं, ये अपनी किस्मत का खाएंगे, मैं अपनी किस्मत का कमाऊंगा। जिसके पकोड़े अच्छे होंगे, गांव वाले उन्हीं के पकोड़े खरीदेंगे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सोनिया जी, 2 रुपए की जरा खट्टी मीठी वाली गोली देना। अखिलेश, तुम भी 2-2 रुपए की चीज लेते हो, कम से कम मुझसे 10-15 रुपए का सामान ले लिया करो, जिससे कि कम से कम मेरा शाम का खाना खर्चा चल जाए। आजकल राहुल भी कुछ कमा के नहीं ला रहा है, तो मैंने लकड़ी का ये रोड पर खोखा बनाकर इसमें किराना दुकान की दुकान रख ली है। सोनिया जी, दुकान तो रख ली है तुमने, लेकिन ये दुकान आपकी रोड पर आज के बाद नहीं रखी रहेगी। अरे मोदी जी, क्या हो गया, बताओ क्या बात है? सोनिया जी, आप देख ही रही हो, ये रोड वैसी पहले से पतला है, और इस रोड पर तुमने लकड़ी का एक खोखा बनाकर उसमें किराना दुकान की दुकान रख ली है, जिससे कि रोड पर जाम लगता है, इसीलिए तुम्हारे इस खोखे को हटाना पड़ेगा। ये बताओ मोदी जी, अगर आप मेरी इस दुकान को हटा दोगे, तो मैं कहाँ पर दुकान रखूंगी, कहाँ पर मेरा खाना खर्चा चलेगा? क्योंकि इस दुकान से दिन भर में मैं जो सामान बेचती हूँ, उससे ही मेरा खाना खर्चा चलता है। सोनिया जी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम्हारी इस दुकान को हटाना पड़ेगा रोड से। आप अपने इस लकड़ी के खोखे को गांव के किसी अच्छी सी जगह पर रख लो, जहाँ ज्यादा जगह हो रोड पर। अब यहाँ से तो तुम्हें अपनी इस दुकान को हटाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, यहाँ के लोग मुझसे सामान बहुत खरीदते हैं, अब मैं इतने बड़े खोखे को कहाँ पर दूसरी जगह उठाकर ले जाऊंगी? अगर दूसरी जगह ले जाऊंगी तो मेरी इतनी बिक्री नहीं होगी, जितनी बिक्री यहाँ पर होती है। मोदी इंस्पेक्टर जी, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। सोनिया जी इसी दुकान से थोड़ा बहुत सामान बेचकर अपना गुजारा कर रही है, और आप उनके लकड़ी के खोखे की दुकान को हटाना चाहते हो रोड से। हमें तो रोड से निकलने में आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, इतनी ज्यादा जगह में तो इनका खोखा रखा हुआ है नहीं। अरे योगी जी, आपको निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी? जब इस रोड से कोई ट्रक या ट्रैक्टर निकलता है तो बड़ा दिक्कत होती है, किसी दिन इनके खोखे में ही ट्रैक्टर लग जाएगा, इसीलिए मैं तो इनकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ कि रोड पतला है, इस रोड से इस किराना दुकान को हटा लो। वैसे सोनिया जी, एक राय दूं मैं आपको, अपने गांव में जो पीपल का पेड़ है, वहां पर काफी जगह है, वहीं पर अपने इस खोखा किराना स्टोर को रख लो। चलो, इस लकड़ी के खोखे को हम उठवाकर वहां रखवा देंगे। अखिलेश, ये बात तुमने ठीक कही। चलो मोदी जी, मैं अपने इस खोखे को यहाँ से हटा लूंगी, दूसरी जगह रख लूंगी। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सोनिया जी, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या करें सोनिया जी, आपको और मुझको पेड़ के ही नीचे सब्जी बेचना है, जिंदगी भर क्या करें, गरीब का यही हाल होता है। अखिलेश को देखो, उसने पक्की दुकान बना ली है, उसी के अंदर आराम से सब्जी बेच रहा है, वो भीग भी नहीं रहा है। वैसे सोनिया जी, आपके तो सुबह से 1 किलो आलू बिक भी गए, मेरी तो एक सब्जी भी नहीं बिकी है। तो मोदी जी, मेरे 1 किलो आलू बिक गए, क्या दौलत बिक गई? 1 किलो आलू बिकने के बाद तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई।
गई। देखो अभी तक बारिश रुकी नहीं है। वैसे मोदी जी मेरा घर तो पास में है, आपका घर काफी दूर है। मैं तो अपने लौकी और आलू समेट के यहीं पे अपने घर में घुस जाऊंगी, लेकिन आपका घर काफी दूर है, आप इतनी सब्जी लेकर घर तक इस बारिश में कैसे जाओगे? मोदी जी अब ऐसा करते हैं, दुकान को समेट लेते हैं। देख रहे हो दुकान पर पानी आने लगा, बहुत तेज बारिश हो रही है। मोदी जी अपनी गरीबी पता नहीं कब दूर होगी, पता नहीं अपनी भी अखिलेश की तरह कब दुकान होगी। सोनिया जी आपका तो पता नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ एक दिन मेरी भी पक्की दुकान होगी और मैं छाई हुई दुकान के नीचे ही सब्जी बेचूंगा। सोनिया जी अब तो ये पेड़ भी बारिश नहीं रोक पा रहा है, पेड़ के अंदर से बूंदे गिर रही है। आप सही कह रही हो, आपका घर तो पास में है, मेरा घर काफी दूर है और आपकी दुकान पर तो सिर्फ आलू और लौकी है। मेरे पास तो कटहल, कद्दू, गोभी, बैंगन, कई रंग की सब्जी है। मुझको तो समेट कर ले जाना बड़ा दिक्कत होगी। अगलेस आज के लिए मैं अपनी ये सब्जी बांध कर तुम्हारी दुकान में रख दूं। तुम्हारी दुकान तो पक्की है। नहीं मोदी जी, मेरी दुकान सब्जी से भूल है, आपकी सब्जी नहीं रख पाऊंगा अपनी दुकान में। सोनिया जी का घर पास में ही है, अपनी सब्जी इकट्ठा करके सोनिया जी के घर पर रख कर चले जाना। लालू जी अगलेस वो देखो, मोदी जी और सोनिया जी बेचारे बारिश में सब्जी बेच रहे हैं। मोदी जी अब इस बारिश में कौन सब्जी लेने के लिए आएगा? सब्जी समेट कर घर जाओ। केजरीवाल जी फिर भी तुम सब्जी अगलेस से ले रहे हो, मुझसे सब्जी नहीं ले पा रहे हो। मुझसे सब्जी इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि मैं बारिश में बैठा हुआ हूँ। मोदी जी मैं आपसे सब्जी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपकी सब्जी तो बारिश के पानी में पूरी तरीके से भीगी हुई है, आधा वजन तो आपकी सब्जी में पानी का ही होगा, जबकि अखिलेश की सब्जी बिल्कुल सूखी हुई है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।